जय माता दी। मेरे YouTube चैनल सपनों के सच में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और माता रानी की दया दृष्टि सभी पर बनी रहे, सभी की झोलियाँ माँ खुशियों से भरे। और आज बात करेंगे सपने में यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव और पार्वती माता को देखता है तो ये सपना क्या संकेत देता है। तो यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान शिव और पार्वती माता को देखता है तो बहुत ही अच्छा सपना है। और इससे पहले दोस्तों बताना चाहती हूँ कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और चलो अब बात करते हैं सपने में भगवान शिव और पार्वती को देखना। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान शिव और पार्वती माता को देखना बहुत ही शुभ सपना होता है। ये सपना संकेत देता है, यदि आप वैवाहिक हो तो ये सपना संकेत देता है कि जो भी आपका दाम्पत्य जीवन है वह बहुत ही सुखमय होगा। और ये इसके अलावा यदि आप अविवाहित हो तो ये सपना आपके विवाह होने की ओर भी संकेत करता है। बहुत ही शुभ सपना होता है यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान शिव और पार्वती माता को देखता है। और यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान शिव और पार्वती माता को देखता है कि वह आशीर्वाद देते हैं तो ये सपना भी बहुत ही शुभ होता है। ये सपना संकेत देता है कि जो आने वाला समय है या आपके जो आने वाले समय में आपके जीवन में नए अवसर मिलेंगे आपको, या आपके जीवन में नए अवसर मिलने की ओर भी संकेत करता है। बहुत ही शुभ सपना होता है। इसके अलावा ये सपना आपके जीवन में धन लाभ की ओर भी संकेत करता है। और यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान शिव और पार्वती माता को देखता है बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप इस तरह का सपना देखते हो तो भोले शंकर की आराधना जरूर करें, शिव पार्वती माता को और भोले शंकर की आराधना जरूर करें। और हो सके तो शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और प्रार्थना करके कहें कि जो आपको सपना दिखाई दिया है इसका अधिक फल आपके जीवन पर पड़े या इसका अधिक फल आपको मिले। बहुत ही शुभ सपना होता है ये। और ऐसे सपने हर किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें ऐसे सपने दिखाई देते हैं। और आज तक के लिए इतना ही, और अगली वीडियो मिलते हैं। जय माता दी।